तुम यहाँ भी क्या कर रही हो? ब्यूटी अपने घर में पार्टी है, ठीक है? अब तो चुप रहोगी? यही करना पड़ता है क्योंकि तुम इस बुढ़िया मामूनी को नहीं जानते हो। इसका दिमाग ना मेरे से भी 10 कदम आगे चलता है, तो मुझे करना पड़ेगा। ठीक है, जो करना है करो, खड़ी रहो, रात भर छुपी रहो। तुम नहीं समझोगे, तुम 6 कोट पहन के एसी वाले घर में घूमते रहो बुढ़िया। हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, आज का दिन मेरे बॉन्दू के लिए सबसे स्पेशल दिन है। आज मेरे बॉन्दू का हैप्पी बर्थडे है और मैं चाहती हूँ कि आज का दिन सिर्फ शान के लिए नहीं बल्कि आप सभी के लिए बहुत स्पेशल हो। तो क्यों ना बर्थडे का केक काटने से पहले बर्थडे बॉय हम सबके लिए डांस करे, क्या बोलते हैं आप लोग? अरे शान, लेट्स डांस। हाँ हाँ शान, आज के दिन डांस तो बनता है। पुचकी वैसे कमाल के डांसर है। अरे असली पुचकी, मेरा मतलब है कि अस्मिता भी वैसे कमाल की डांसर है। क्यों ना इन दोनों लड़कियों के बीच में डांस का कंपटीशन हो जाए? हाँ क्या बकवास है, शान का बर्थडे है, कोई डांस कॉम्पिटिशन थोड़ी ना है। क्यों डर गई? कुछ की किसी से नहीं डरती। कर लो कॉम्पिटिशन, पछताओगी बाद में। मेरा झुमका उठा के लाया यार वे, जोगिरा था बरेली के बाजार में। मैं तो झुमका लगा के शर्मा गई, बोली घूम कर बता दे के मैं आ गई।
मैंने कहा था ना उसकी बहुत अच्छी डांसर है। थोड़ा सा दर्द है लेकिन तुम छोड़ो नहीं ये सब, चलो तुम्हारा केक काटते हैं। हाँ शांत, चलो केक काटते हैं। ले आइए केक, ले आइए। शांत किसी और को छुए ये मुझे बिल्कुल मंजूर नहीं। चलो केक कटिंग। Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday dear Sean, happy birthday to you. मुझे नहीं देखा जा रहा, मुझे नहीं बर्दाश्त हो रहा। किस तरह तरीके से लोग मेरे बूढ़ों को बेवकूफ बना रहे हैं। मुझे क्या करना हो आप बताइए ना। मेरे पास सारे सबूत है कि मैं ही कुछ क्यों। बर्थ सर्टिफिकेट है, आधार कार्ड है, वो अनाथ आश्रम के डॉक्यूमेंट्स है जहाँ मैं कुछ साल तक रही थी। सारे डॉक्यूमेंट्स पर फोटो है, गवर्नमेंट स्टैम्प है, सब कुछ है। आईडी प्रूफ देकर मुझे बस किसी ना किसी तरह से शाम को मनाना होगा कि मैं ही उसकी पूछ क्यों। कुछ कुछ करना होगा दादी। हाँ हाँ अस्मिता, देख वक्त आ गया है। बस किसी और को है ना शान के ऊपर हक मत जमाने देना। कैसे दादी बुआ, आप देख रही है ना शान को कुछ याद तक नहीं है, तबीयत ठीक नहीं है। डॉक्टर ने भी कहा था कि उसके दिमाग पर ना हम ज्यादा दबाव नहीं डाल सकते। क्या करूं मैं, कहीं ऐसा ना हो कि सच्चाई सुनकर ना शान को शौक लगे। ऐसा कुछ नहीं होगा, दिमाग करो आप देख रही है। उसकी चिंता तू ना कर, उधर ये सोच ले कि जितने दिन ये झूठ चलता रहेगा ना, और बाद में जब उसे सच्चाई पता चलेगी तो उसे और शौक लगेगा। मेरी बात मान ले, सच्चाई जितनी जल्दी सामने आ जाए ना उतना ही बेहतर है और जरूरी भी। दादी बुआ, आज रात आने के बाद मैं बूढ़ों को सच बता दूंगी। बस बहुत बर्दाश्त कर लिया मैंने, और नहीं शान पर अपने
अपने प्यार पर, किसी और को अपना हक जमाने नहीं दूंगी। ब्यूटी, तुम क्या पागल हो गई हो? देखो, फालतू के पंगे मत लो। चुप, हाथ में हाथ धरी बैठी रहो। दिख नहीं रहा वो बुढ़िया कैसी है? अरे टॉर्चर करके रखा हुआ मैंने, और जब तक मेरी आंखों के सामने आएगी ना, मेरी सांसें रुक रही है। तुमने पहले भी बहुत गलत करी, तुम थोड़े दिन शांत रहो। चुप रहो, तुम शांत रहो, तुम चुप रहो। तुम बस देखते रहो कि मैं उस बुढ़िया के साथ क्या करने वाले। मतलब जानबूझकर धक्का देकर क्यों गिराया? मैंने तुम्हें खुद देखा उन्हें जानबूझकर धक्का देते हुए। ये क्या बोल रही है? तुम झूठ क्यों बोल रही हो? मैं उन्हें पकड़ने जा रही थी। मैंने झूठ तुम बोल रही हो? तुमने धक्का दिया। मामू ने ठीक है ना? लगी तो नहीं ना आपको? अरे बेकार लड़के, मैंने अपनी आंखों से देखा इस लड़की को, अपनी आंखों से देखा इसने मामूनी को धक्का दिया है। अरे क्यों पड़ी है मेरी मामूनी के पीछे ये? तुम्हें अचानक ठाकुर माँ की चिंता कब से होने लग गई? क्योंकि मैं इनकी बेटी हूँ और इनके कॉक से हुई हूँ। Enough! शत्रु मेरे, जानते हो ना मैं ऐसा कभी नहीं कर सकती। वो अचानक से वो गिर रही थी। Shut up, okay? अगर इतने लोग उंगली उठा रहे हैं तो मान लो ना। अगर गलती से धक्का लग भी गया तो ठीक है, बात को मानो। झूठ झूठ क्यों बोलना है शान? ये तो अच्छा है कि ठाकुर माँ ठीक है। अगर इन्हें कुछ हो जाता ना तो मुझसे बुरा और कोई नहीं होता। बुजुर्गों का लिहाज करना सीखो। तो अच्छा है कि ठाकुर माँ ठीक है। अगर इन्हें कुछ हो जाता ना तो मुझसे बुरा और कोई नहीं होता। क्या हुआ? बहुत बुरा लग रहा है। ये लो, काम आएगा तुम्हारे। लो, क्या हुआ? बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रही थी तुम तो। अब क्या हुआ, झटका लगा क्या?
मैंने सिर्फ मौके का फायदा उठाया। मुझे पता है कि तुम ठाकू माँ को बचाना चाहती थी, लेकिन मैंने सबके दिमाग में एक ऐसी पिक्चर बनाई मानो कि तुम ही ने उन्हें गिराया हो। अब तुम खुद ही सोचो कि अगर मैं ऐसा कर सकती हूँ तो मैं पुचकी बनकर शान को तुमसे छीन भी सकती हूँ। क्या कहा था तुमने मुझे? प्रोमो दिखाया था ना तुमने मुझे? मैंने तो तुम्हें ट्रेलर दिखा दिया, इससे पहले कि पूरी पिक्चर देखकर तुम्हें इस घर से निकलना पड़े। जल्दी बनो यहां से, क्योंकि ट्रेलर देखकर अगर तुम्हारा ये हाल है तो पूरी पिक्चर देखकर कहीं तुम खुदकुशी ना कर लो। अस्मिता, तुम मान क्यों नहीं लेती कि तुम्हारी और शान की लव स्टोरी ना ये मुकम्मल कभी नहीं होगी? तुम दोनों ना सिर्फ दोस्त थे और दोस्त रहोगे। वो प्यार वाली जो लकीर होती है ना, वो ना तुम दोनों के भाग्य में है ही नहीं। वरना पहले हृदय और अब मैं राहु केतु बनकर तुम्हारी कुंडली पर डेरा क्यों डाल दे? अस्मिता, तुम क्यों अपनी इज्जत की धज्जे उड़ाने पर तुली हुई हो? चली जाओ ना तुम, शान को मुझे अपना बना लेने दो। ज्यादा फुदकने की जरूरत नहीं है। सच देर से बोलता है पर डंके की चोट पर बोलता है। सच तो सामने आकर ही रहेगा। ठीक है, देखते हैं किसका सच बाहर आता है। अब अगर तुम्हें धक्के खाकर बेइज्जत होकर इस घर से बाहर निकलना ही है तो इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? तुम्हारी मर्जी। ठीक है, बाय। तुम्हें जो करना है तुम कर सकती हो। शान को मैं कल सच बताकर ही रहूंगी, फिर चाहे जो। क्या सोचा था तूने? इतनी आसानी से छुटकारा मिल जाएगा तुझे? बेवकूफ लड़की, तेरा स्पर्श एक पल में पहचान जाती हूं मैं। भूल गई माँ हूं मैं तेरी। तूने धक्का दिया था ना मुझे, वो तो अस्मिता ने बचा लिया। आज जरूरत की है, दोबारा मत करना। आज का थप्पड़ तुझे तेरी औकात दिखाने के लिए था। बेटी है, बेटी बन के रह। बाप बनने की कोशिश मत कर, मोने थाके जानो। आज के लिए बस इतना ही। अगर दोबारा ऐसा हुआ ना तो सोच लेना क्या हाल करूंगी मैं तेरा। मैंने तुमसे कहा था ना ठंड रखो, लेकिन तुम तो बस तुम हो। देखो पढ़ा ना था पढ़ा ब्यूटी, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, सुधर जाओ। अन्नी मांगे ना तुमसे। कहेंगी कौन मारता है ऐसे? क्या बात है अस्मिता? ए लड़की, अब जल्दी से बता दे क्यों इकट्ठा किया तूने सुबह सुबह सबको? डरो मत पुत्र, जब तेरे पास सबूत है कि तू ही पुचकी है तो फिर दिखा दो ना, साबित करो, निकालो इन दोनों को घर से बाहर। आप सही है, आप सही है। मैंने यहां सबको इसलिए इकट्ठा किया है ये बताने के लिए, सच बताने के लिए।
जब से मैं कोलकाता आई हूँ मैंने ये कहानी सुनाई कि मैं पुचकी हूँ। दरअसल मैं पुचकी नहीं, मैं अस्मिता हूँ। मैंने झूठ बोला था, आप सबको मैंने धोखा दिया, मुझे माफ कर देना।